अमित तिवारी सर वहां पे गए मिलने के लिए, तो उनको बोला गया है कि अभी दरोगा का जो 1275 वाला चल रहा है, इसमें जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मैटर फंसा हुआ है, तब तक आप रिटर्न कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तब तक आपको ईडब्ल्यूएस एनसीएल का तो कहीं लफड़ा ही नहीं है। जब आपका रिटर्न में नाम आ जाएगा, रिटर्न आपका रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद ना आप फिजिकल दीजिएगा बाबू। जब कोई किसी का नहीं होता है दोस्त, आज अगर आप कमाएंगे तभी आपको कोई इज्जत देगा, नहीं कमाएंगे तो ऐसे घर में बैठे रहेंगे। पता चला शाम का समय है, टपरी पे गए चाय, 18 लाख कैंडिडेट का एग्जाम होने वाला है दोस्त, सेंटर खोजाई हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, जय हिंद। कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिलहाल ग्राउंड में बात करते हैं भाई, बिहार पुलिस 21391 वाले बहाली का। आप लोग का सबसे ज़्यादा डाउट था कि भैया ईडब्ल्यूएस एनसीएल का क्या हुआ। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि भाई हम थोड़ा बिजी थे, शादी में, भाई के शादी में चले गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब आप लोग को बता देते हैं, ये 4660 पोस्ट जो आरपीएफ का निकला हुआ है, 4260 आपके कांस्टेबल का है, 14 मई तक फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। तो जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं फटाफट जाके फॉर्म भरिए, 14 मई तक डेट है। घर में बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग सोचते सोचते मर जा रहा हार्ट अटैक से, ठीक है। तो लड़का लड़की जितने भी हैं, 14 मई तक डेट है, जाके फॉर्म भरिए फटाफट और रिटर्न की तैयारी कीजिए। इसका रिटर्न भी हार्ड होने वाला है, फिजिकल भी हार्ड होने वाला है। जो आरपीएफ का है वही हाल बिहार पुलिस का है। 21391 वाले में आप लोग को मालूम है कि जैसे दोस्त 18 से 19 लाख के समथिंग में, हम बार बार बताते हैं कि भाई 18 से 19 लाख के समथिंग में आपका फॉर्म भराया है, ठीक है। उसके बाद जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम के बाद आपका 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। आप लोग का सबसे ज़्यादा डाउट था कि भैया ईडब्ल्यूएस एनसीएल के बारे में क्या अपडेट है, कुछ दीजिए। मेरे दोस्त आप लोग को डायरेक्टली हम बता देते हैं, देखो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल कब लगता है, तब लगता है कि जब आपका रिटर्न हो जाएगा, जब रिटर्न आप पास कर जाएंगे, उसके बाद जब फिजिकल में जाएंगे, फिजिकल जब आप देंगे तो रनिंग होगा, उसके बाद हाई जंप होगा, फिर आपका गोला फेंक होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रो में बैठा के आपको एक जगह पर बैठा के साइड से, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसी जगह पे आपका ईडब्ल्यूएस एनसीएल जाति आवास है हो, जो भी होता है सब टोटल चीज़ उसी जगह पे जांच किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि 1,07,000 यानी कि 21391 वाले वैकेंसी में, बहाली में जो 21391 का पोस्ट है उसको 5 गुना करके रिजल्ट देगा। सबसे पहले आप मेरी बात को समझो, उसके बाद फिर आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट कर देना, ठीक है। 21391 को 5 गुना कर दीजिए, उसके बाद 1,06,000-7,000 के समथिंग में आता है, ठीक है। उतना में आपको जगह बनाना पड़ेगा सबसे पहले रिटर्न के लिए। जब आप रिटर्न में जगह बनाएंगे तभी तो आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे, क्योंकि सीएसबीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो 5 गुना ही रिजल्ट देगा आपका। अब 5 गुना जो रिजल्ट देगा यानी कि 1,07,000 के समथिंग में, और फॉर्म भरा है कितना दोस्त, 18 लाख, 16 लाख के समथिंग में कैंडिडेट कहाँ पर जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए दोस्त कि आपको 16 लाख की श्रेणी में आना पड़ जाए या उसके काउंटिंग में आ जाना पड़े, ठीक है। तो तैयारी ऐसे करना है, आपको बता दिया हम सिलेबस के बारे में भी बता दें कि 40 नंबर का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने वाला है, 30 नंबर का आपका जीके जीएस रहने वाला है, 15 नंबर का आपका मैथ रहने वाला और 15 नंबर का आपका हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है। इसका तैयारी आप कहां से कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का बुक या आरडब्ल्यूए का ले सकते हैं। उसके बाद आप अमित तिवारी सर का जैसे कि स्टडी मोड का ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सफलता बैच उनका चल रहा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। और टारगेट बैच है, सफलता बैच है, वहाँ से तैयारी अगर करेंगे तो उम्मीद है भाई कि 1,07,000 के श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए हम उनका कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनका प्रचार कर रहे हैं या कोई बुक का प्रचार कर रहे हैं। जो बुक बढ़िया है और जिसका क्लास बढ़िया है, बस हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं, चाहे उसको उनके बारे में बताना चाहते हैं ताकि आप लोग का रिजल्ट हो, ठीक है। अभी लोकसभा का इलेक्शन है, 2 चरण खत्म हो गया है बिहार में, उसके बाद अभी 5 चरण बचा हुआ है, ठीक है। तो 7 मई को है अगला चरण का लोकसभा का चुनाव, ठीक है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, धराधर जितने भी आपके वैकेंसी रुका पर आए, यूपी पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद जितने भी आपके मास्टर वाला भी ऐसा अभी फिलहाल में बीपीएसएससी का बिहार में, तो जितना भी बाकी है टोटल एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है जस्ट आपके इलेक्शन के बाद। तो तैयारी अगर आप सोचेंगे कि भाई इलेक्शन खत्म हो जाते थे उसके बाद हम तैयारी करेंगे या फिर ईडब्ल्यूएस एनसीएल के मैटर में, ये सोच के अगर आप तैयारी छोड़ते हैं तो फिर भाई आप जैसे बेरोजगार अभी स्थिति जैसा ना, पता है आप तो प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहा है दोस्त, स्थिति ऐसा हो गया ना कि आपके जगह पे मशीन काम कर रहा है, 1 कट्ठा गेहूँ काटने के लिए ना रेपर को बुलाया जा रहा है, ठीक है, 1 बीघा काटने के लिए ऐसी सिचुएशन हो गया है। आप 5 दिन में काटेंगे ना, वो 1 दिन में 1 घंटा 2 घंटा में काट के चले जाएगा। तो अब मशीनरी भी आ गया है, तो इतना समझ लीजिए कि बेरोजगारी के दौर में आपका क्या हल होने वाला है, ठीक है। इसीलिए 1,07,000 आपका रिटर्न का रिजल्ट देने वाला है, तो उसमें काउंटिंग होना है, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है, फिजिकल बार बार आपको बताते हैं कि दोस्त आरपीएफ और बिहार पुलिस दोनों सेम ही मान
सकते हैं उसको, ठीक है। उसका भी एग्ज़ाम हार्ड है, इसका भी एग्ज़ाम हार्ड है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिजिकल जो आरपीएफ का है उसका भी हार्ड होने वाला 1600 मीटर का रनिंग है, और बिहार पुलिस का इसका भी 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है। तो अंतर कहीं से कुछ भी नहीं है, बस अंतर ये है कि भाई वैकेंसी का पोस्ट कम है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद तो फॉर्म भी तो ज़्यादा भरा है, 17-18 लाख के समथिंग में भरा है। अब जहाँ तक बात रहा आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का, ईडब्ल्यूएस एनसीएल के मैटर में अभी अमित तिवारी सर को आयोग बुलाए थे, ठीक है, 4-5 दिन पहले का, उनका वीडियो देख लीजिएगा। और हमको पता भी, हम पहले भी देखे थे, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। जब अमित तिवारी सर वहाँ पे गए मिलने के लिए, तो उनको बोला गया है कि अभी दरोगा का जो 1275 वाला चल रहा है, इसमें जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मैटर फंसा हुआ है, इसको पहले कुछ ना कुछ इसका हल किया जाएगा, कुछ मामला निकाला जाएगा, निष्कर्ष, उसके बाद फिर आपका सीएसबीसी वाला जो 21391 के बहाली वाला है, इसको कुछ ना कुछ किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिटर्न पहले दोस्त कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आप रिटर्न कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तब तक आपको ईडब्ल्यूएस एनसीएल का तो कहीं लफड़ा ही नहीं है। जब आपका रिटर्न में नाम आ जाएगा, रिटर्न आपका रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद ना आप फिजिकल दीजिएगा बाबू। जब फिजिकल दीजिएगा उसी टाइम आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल दोनों खोजेगा। तो ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मैटर अभी छोड़िए। और ऐसा है कि अगर 1275 के बाद भी सीएसबीसी वाले ये 21391 में ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता है, तो इतना यकीन रखिए दोस्त कि भाई आपका वीडियो बनाएगा, सर लोग आपके जितने हैं वो लोग वीडियो बनाएंगे, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा, जनता दरबार मिला जाएगा सीएम साहब से, या फिर सीएसबीसी के चेयरमैन साहब से मिला जाएगा। ऐसे भी लड़की को पूरे ऑल ओवर बिहार में अब तो 35 या 50% के अराउंड में उनको रिजर्वेशन दे दिया गया है। आप लोग इतना जान लीजिए कि 1,07,000 के समथिंग में जो रिटर्न का रिजल्ट देगा, जिसमें 66-67 हज़ार के समथिंग में आपका मेल यानी कि लड़का का रिजल्ट रहने वाला है, उसके बाद 40-44 हज़ार के समथिंग में आपका लड़की का रहने वाला है। इतना यकीन रखो दोस्त कि 40-44 हज़ार अगर लड़की को बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, अगर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी टीचर के साथ या जो गार्जियन के रूप में एज ए मान सकते हैं, हम कोई भी सर को ले लेते हैं, रहमान सर को ले लें, या अमित तिवारी सर को ले लें, या फिर आपके रोशन सर को ले लें, एसके झा सर को ले लें, किसी को भी अगर ले लेते हैं जो चुनिंदा टीचर हैं, जो मतलब आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से लेके रिलेटेड तैयारी करवाते हैं, इनके साथ अगर आप हो लेंगे, तो इतना यकीन है दोस्त कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे पिछले बार ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मैटर फंसा था तो ट्विटर कैंपेन हुआ था, उसके बाद जनता दरबार में भी लड़की लोग के तरफ से वहाँ पे लेटर दिया गया था, तो उसका सॉल्यूशन उस टाइम नहीं निकला था, बिकॉज लोकसभा का इलेक्शन का तैयारी चल रहा था, उसके बाद फिर उधर भी फंसा हुआ था कुछ ना कुछ मैटर, तो ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना है, बस आप पहले रिटर्न की तैयारी करो, उसके बाद ईडब्ल्यूएस एनसीएल जिसके पास नहीं है अभी भी बना के रख लो। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं मेरे दोस्त कि मेरा वीडियो देखने के बाद ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को बना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, आप इतना जान लीजिए ना कि 1,07,000 के समथिंग में कम से कम 30-40% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस और एनसीएल है, वो भी बाद का है और पहले का है, उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कम है, ठीक है। तो इतना यकीन रखिए कि कितना सीट खाली चला जाएगा और कितने का ज़िंदगी बर्बाद होगा, ठीक है। तो आयोग ऐसा नहीं चाहती है कि करे, और टीचर भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई किसी तरह के कैंडिडेट को दिक्कत हो, ठीक है। तो शांतिपूर्ण तरीके से सबका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले रिटर्न की आपको तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद एग्ज़ाम की बात अगर करते हैं दोस्त, तो बस इलेक्शन ख़त्म हो जान दीजिए, उसके बाद पता भी नहीं चलेगा, इलेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरे दोस्त बार बार कहते हैं, कोई किसी का नहीं होता है दोस्त, कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है, ठीक है। इसीलिए तैयारी करते रहिए, रिटर्न की सिलेबस बता दी है अमित तिवारी सर का, सफलता बैच ले सकते हैं आप, वहाँ से तैयारी कीजिए, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए या RWA का ले लीजिए, वहाँ से तैयारी कीजिए, डेली सॉल्व पेपर लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए कुछ ना कुछ, और जिसमें भी आपको नंबर कम आता है, या फिर हो गया मैथ में हो गया, या फिर आपका GK GS में फंसता है, उसको रिविज़न कीजिए, रिविज़न इज बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी आप हमारे YouTube चैनल दीपक बिहार वाला पे जाइएगा, वहाँ पे रिटर्न फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एकदम जेन्युइन वीडियो जो हम फेस किए हैं, वो वीडियो बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से बना के YouTube चैनल पे डाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं और एकदम सटीक जानकारी दी है कि भाई कैसे क्या होता है, कैसे फिजिकल की तैयारी करना है, कैसे रिटर्न की तैयारी करना है, ठीक है। हम टोटल चीज़ बताए हैं उस पर, कोई भी डाउट होता है दोस्त, मेरा YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाइए, आप चेकआउट कीजिए, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद वहाँ पे कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, भाई आपका जवाब देने के लिए ऑलरेडी हमेशा तैयार है, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है, हमेशा जोश रखना है, जुनून रखना है, ठीक है। कोई किसी का नहीं होता है दोस्त, आज अगर आप कमाएंगे तभी आपको कोई इज्जत देगा, नहीं कमाएंगे तो ऐसे घर में बैठे रहेंगे, पता चला शाम का समय है, टपरी पे गए, चाय पिए, सुट्टा मारे, हो गया, दुनिया यहाँ तक नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। आने वाले समय में बहुत कुछ
बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए मेहनत करो, आरपीएफ का 14 मई तक फॉर्म भराएगा, फॉर्म भरो, उसके बाद बिहार पुलिस का तैयारी करो दोस्त, ठीक है। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है इसका, इतना समझ लीजिए कि इलेक्शन खत्म, उधर आपका प्रक्रिया चालू है। और इतना जान लीजिए कि सेंटर खोजाई हो रहा है, 18 लाख कैंडिडेट का एग्जाम होने वाला है दोस्त, सेंटर खोजाई हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा पसंद करेंगे, उसके बाद चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।